सड़क पर इस हालत में पड़ी मिली थी यह एक प्रेस, जाने कैसे हो गया था इट्स। साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में इन दिनों कास्टिंग काउच का मुद्दा छाया हुआ है। पहले श्री रेड्डी ने फेमस प्रोड्यूसर के बेटे पर काम के बदले सेक्स की डिमांड का आरोप लगाया। फिर कैरेक्टर आर्टिस्ट सुनीता ने कहा कि एक क्रिटिक ने उनका रेप करने की कोशिश की थी। इसके बाद एक प्रेस संध्या नायडू ने एक कास्टिंग डायरेक्टर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया। अगर इन मामलों को देखने के बाद फ्लैशबैक में जाएं तो 80 के दशक की एक प्रेस निशा नूर की याद आती है। वही निशा नूर जिन्हें प्रोड्यूसर के स्वार्थ के चलते एड्स जैसी गंभीर बीमारी हो गई थी और जो आखिरी वक्त में सड़क पर पड़ी मिली थी। प्रोड्यूसर ने प्रोस्टिट्यूशन में धकेला था। दाश कथित तौर पर निशा को एक प्रोड्यूसर ने धोखे से प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दिया था। इसके बाद हुआ यह कि इंडस्ट्री के सभी लोग उनसे दूर हो गए। जब कोई चारा नहीं दिखा तो निशा ने हमेशा के लिए इंडस्ट्री छोड़ दी। लेकिन इसके बाद उनके हालात और खराब हो गए। कहा जाता है कि वे कंगाली से जूझती रहीं, बीमारी से लड़ती रहीं, लेकिन इंडस्ट्री से कोई उन्हें देखने तक नहीं पहुंचा था। जिंदगी और मौत की जंग लड़ते सड़क पर मिली थी निशा। इंडस्ट्री छोड़ने के बाद बाद धीरे धीरे निशा के आर्थिक हालात बिगड़ते गए। फिर उनकी माँ की भी मौत ही गई और वे अकेली रह गईं। आखिरी दिनों में हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उन्हें सड़क पर पड़ी पाया गया था। इस दौरान वे जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही थीं। गौर तमिलनाडु मुस्लिम मुनेत्रा कैजगम ने उन्हें चेन्नई के पास एक अस्पताल में भर्ती कराया तो पता चला कि उन्हें एड्स था। 2007 में निशा जिंदगी की जंग हार गई। जब निशा को नागौर की दरगाह के पास पड़ा पाया गया तो उनके शरीर पर कीड़े और चींटियां रेंग रहे थे। रजनीकांत जैसे स्टार्स करना चाहते थे निशा के साथ काम। नाम सुनने में भले ही अनसुना लगे, लेकिन 1980 से 1986 के बीच निशा साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बहुत पॉपुलर थी। कथित तौर पर उनकी पॉपुलैरिटी का आलम कुछ ऐसा था कि रजनीकांत और कमल हासन जैसे बड़े स्टार्स भी उनके साथ काम करना चाहते थे। कुछ फिल्मों में निशा इन स्टार्स के साथ दिखी भी थी। हालांकि इतनी पॉपुलर होने के बाद भी निशा को जो मुकाम मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। निशा की कुछ पॉपुलर फिल्में कल्याण अगथिगल 1986, अय्यर द ग्रेट 1990, टिक 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 1990, चुआपू नाडा, मिमिक एक्शन 500 और इनिमई इधो